हेलो एंड वेलकम बॉयज एंड गर्ल्स, टेक गुरु के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और मैं हूं शिबानी। ओके, I will introduce myself. Okay, ठीक है, done. तो आज के चेक गुरु के एपिसोड में शिवानी, दरअसल हम लोग किसी मोबाइल फोन के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, ना कि लैपटॉप के बारे में बात कर रहे हैं, किसी गैजेट के बारे में बात नहीं कर रहे, बल्कि आज का जो शो है वो खास तौर पर गेम्स को लेकर हमने डेडिकेटेड किया, और खासकर उस हफ्ते में जिस हफ्ते में दुनिया भर में एक गेम एकदम मतलब इंडिया में अभी ऑफिशियली ये गेम लॉन्च नहीं हुआ है, पर इसको खेलने वाले इतने ज्यादा हो गए हैं इंडिया के अंदर, मतलब लोगों ने जुगाड़ कर करके इसको खेलना शुरू कर दिया इस गेम के अंदर। अभी पहले शुरुआत करते हैं एपिसोड की इस हफ्ते की लेटेस्ट एंड हॉटेस्ट टेक न्यूज से। सबसे पहली खबर शाओमी की तरफ से, जो रेडमी नोट का जो अगला वर्जन है शिवानी, वो दरअसल अगले हफ्ते जुलाई 27 को लॉन्च होगा। और रेडमी पहले कह रहे थे कि रेडमी 5 लॉन्च होगा, रेडमी 6 इन लोगों को एक नेक्स्ट वर्जन लॉन्च करेंगे, बट दरअसल रेडमी नोट प्रो जो है उसे वो लॉन्च करेंगे। और उसमें जो है फीचर्स, 4GB रैम दी गई है, मार्शमेलो के ऊपर चलेगा, बड़ी स्क्रीन साइज होगी और लेटेस्ट सारे फीचर्स डालने के उसमें दिए जाएंगे। तो बेसिकली रेडमी प्रो अगले हफ्ते जुलाई 27 इंतज़ार करना पड़ेगा। पिछले हफ्ते अभिषेक एक गेम जो जिसके बारे में हमने बात की, पोकेमॉन गो, उसने दुनिया भर में हेडलाइंस बनाई, लेकिन और एक ऐप है जिसने दुनिया भर में हेडलाइंस बनाई, प्रिज्मा। मैंने बताया था, मैंने ऐप रिकमेंड किया था। करेक्ट, तुमने ऐप रिकमेंड किया था और वो एंड्रॉइड पर नहीं है, फुल क्रेडिट टू यू, लेकिन अब वो एंड्रॉइड पर आने वाला है, उसका भी बीटा वर्जन टेस्ट किया जा रहा है एंड्रॉइड फोन पर। जब तुमने इनफैक्ट ये बात बताई तो बाहर जाके इमीडिएटली मैंने डाउनलोड करने की कोशिश की और एंड्रॉइड पर नहीं था, लेकिन अब एंड्रॉइड यूजर्स के लिए अच्छी बात है, आपको आईफोन नहीं खरीदना पड़ेगा, आपके एंड्रॉइड फोन पर ही आपको ये ऐप मिल सकता है, जिसकी मदद से बढ़िया फोटोज आप अपने सोशल मीडिया पेज, फोटो आर्ट बना सकते हैं और अपने सोशल मीडिया पेजेस पर डाल सकते हैं और वो लाइक्स पा सकते हैं। चलिए, टेक न्यूज अभी तो इतनी हो गई, अब वक्त है हमारी टॉप स्टोरी का, जो है पोकेमॉन गो की पोकी वॉक, और जिसे कर रही हैं रानिका। हर जगह पोकेमॉन गो गेम इतना ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, अब तक इसके 5 करोड़ तक डाउनलोड हो चुके हैं। इंडिया में अब तक ये गेम आया नहीं है, लेकिन तब भी लोग इसे डाउनलोड कर रहे हैं, तो इसीलिए आज मैं आई हूँ पोकेमॉन गो की वॉक में, जो कि पवई में हो रही है, और ये सारे के सारे लोग आज गेम खेलने वाले हैं। तो आज मैं आपको इस ऐप का एक रियलिटी चेक दूंगी और आपको बताऊंगी कि इसकी दिक्कतें क्या हैं और इसकी खासियत क्या है। दौड़ते भागते ये लोग ना तो योगा करने के लिए जुटे हैं और ना ये फिटनेस के दीवाने हैं। ये सभी लोग पोकेमॉन वॉक में हिस्सा लेने आए हैं। जुनून का आलम ये है कि बारिश के बावजूद इसको खेलने के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं लोग। इस वॉक में करीब 400 लोग शामिल हैं, जो पिकाचू, चार्मेंडर, बल्बसौर जैसे पोकेमॉन पकड़ने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, यानी एंटरटेनमेंट के साथ साथ आपकी सेहत का भी ख्याल। 450 लोग, संडे मॉर्निंग, बारिश हो रही है बॉम्बे में, और वो लोग अभी भी हमें फ़ोन कर रहे हैं कि हम अभी आ जाए, हम डिले हो गए हैं। तो इट इज़ बीन अ फिनोमिनल सक्सेस, और बॉम्बे में ही नहीं, हम ये दिल्ली, बैंगलोर, बहुत सारे सिटीज़ में कर रहे हैं। ज्यादातर मोबाइल गेम जहां बैठकर खेले जाते हैं, लेकिन पोकेमॉन गो इस मामले में बिल्कुल अलग है। ये गेम आपके फोन के स्क्रीन से निकलकर रियलिटी का एक्सपीरियंस आपको देता है। गेम में खिलाड़ी मोबाइल के जीपीएस और कैमरा के जरिए अपने आस पड़ोस में मौजूद पोकेमॉन को पकड़ते हैं और उन्हें पोकी जिम सेंटर में लड़ाते हैं। इरफान भी इन्हीं में से एक पोकेमॉन फैन है, जो हमें इस गेम की खासियत बताएंगे। आपका अपना कलेक्शन दिखाओगे पोकेमॉन का, अब तक आपने कितने पोकेमॉन पकड़े हैं? अभी तक तो मेरा 300 के ऊपर गया है, लेकिन मैंने थोड़ा डिस्कार्ड कर दिया। और साथ में आप कितना चले होंगे इसके साथ? इसके साथ मैं अभी 7 किलोमीटर से चल चुका हूँ आज। और जिम, आप फाइट्स कैसे करते हैं जिम में जाकर? और
कैसे क्या होता है पूरा मुझे बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। जिम का फाइट का अभी ये जो प्लेयर है, प्लेयर के आगे रडार है, अगर जिम ये रडार में आया तो जिम के ऊपर टैप करके एक फ़ाइट का ऑप्शन रहता है। अभी लिख के आएगा जिम इज़ टू फार अवे, फाइट का ऑप्शन आता है, फिर हम लोग को फाइट करने का, और जैसे ही वो कॉमन सिल्वर हो गया तो हम लोग अपना कलर डिप्लॉय कर सकते हैं। ये गेम अभी ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन इसके फैन दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि इस गेम में कई दिक्कतें भी हैं, जैसे बिना बैटरी बैकअप के आप इसे नहीं खेल सकते। इससे सबसे बड़ी दिक्कत क्या है इस ऐप में? सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जब हम लोग बहुत चल के घूमते हैं, जाते हैं, एंड वी फाइंड अ रेयर प्राचीन पोकेमॉन, तो वो पकड़ने जाते हैं, पोकेबॉल थ्रो करते हैं और वो हैंग हो जाता है। इट्स रियली वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, वो हैंग हो जाता है एंड वी कैन नॉट कैच इट। ऐप बहुत बैटरी यूटिलाइज कर लेता है। आई जस्ट वॉक फॉर 2 आवर्स, मैं सिर्फ 2 घंटे की वॉक ली और मेरी 80% बैटरी यूटिलाइज हो गई, तो ये दिखाता है कि बैटरी बहुत यूटिलाइज हो जाती है। GPS सिग्नल कई बार मिलता नहीं है, तो उसकी वजह से मोबाइल का, फ़ोन का पूरा नेटवर्क सेटिंग्स रीस्टार्ट करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, तो जो भी पासवर्ड्स है वो सब भी उड़ जाते हैं, तो ऑलमोस्ट एक दिन में 3-4 बार नेटवर्क सेटिंग्स रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो वह बहुत ओवरलोड हो जाते हैं और वो कभी भी फ्रीज हो जाते हैं बीच में और क्रैश हो जाती है गेम, और फिर वापस लॉग इन करने को बहुत दिक्कतें होती है, बहुत बार करना पड़ता है पर वो होता नहीं है फिर भी। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये है कि लोग गेम खेलते समय जोखिम का भी ध्यान नहीं रख रहे हैं, जिससे एक्सीडेंट्स का भी खतरा है। आप भी पोकेमॉन गो खेलना चाहते हैं तो जरूर खेलें, लेकिन संभल कर। मेरा एक्सपीरियंस आज बहुत ही अच्छा रहा, मैंने आज करीब 25 से 30 पोकेमॉन भी पकड़े होंगे, साथ ही मेरा मॉर्निंग वॉक भी कम्प्लीट हो गया है। तो आप सावधान जरूर रहें, क्योंकि ये रोड पे खेलने वाला गेम है तो आसपास कार गुजरती रहती हैं, तो आपको सावधानी बरतने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि US में बहुत ही किस्से हो चुके हैं, रोड एक्सीडेंट हो चुके हैं, रॉबरीज हो चुकी हैं इस गेम को लेकर, तभी ये ज़्यादा चर्चा में भी आ रहा है। तो इस गेम को आप ज़रूर खेलें, बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है, बहुत ही अच्छा गेम है, पर लेकिन सावधानी ज़रूर बरतें। तो हमारे साथ अभिषेक, जो पोकी वॉक करके आई है ना रानिका, वो आज पोकी वॉक गर्ल, उसे हमने बुलाया है स्टूडियो में। रानिका, तो कैसा रहा तुम्हारा पोकी वॉक? शिबानी, मैं तो अभी तक ये पोकेमॉन गेम खेल रही हूँ, मेरे को तो एक और एग भी मिलने वाला है और मैंने एक एग शायद से ले भी लिया है। तो मैं बात करती हूँ अपने पोकी वॉक की, तो पोकी वॉक मेरा बहुत ही अच्छा था, करीब 400 से ज्यादा लोग यहाँ पर आए थे। आप सोचेंगे नहीं कि सुबह 400, मैंने सही सुना 400, वो भी संडे मॉर्निंग सुबह सुबह 7 बजे। पोकेमॉन के लिए ये बहुत ज्यादा एंथुसियाज्म है मेरे हिसाब से रानिका। तो एग्जैक्टली क्या कर रहे थे तुम वॉक पे, क्या क्या हो रहा था वहाँ पे और कितनी एक्साइटमेंट थी पोकेमॉन गो को लेकर? इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे लोग कि बारिश में भी वो लोग खेलने को रेडी थे और इधर उधर भाग रहे थे। मुझे उन्हें पकड़ के बोलना पड़ा कि आप प्लीज़ एक मिनट के लिए रुको, मुझे आपको एक बार एक्सपीरियंस आपका जानना है, पर वो रुकने को रेडी ही नहीं हो रहे थे। पोकेमॉन खेलने में मस्त हो गए थे। पिकाचू मिला क्या तुम्हें? मुझे तो पिकाचू नहीं मिला। किसी और को मिला पिकाचू? पिकाचू वैसे तो किसी को नहीं मिला, बट उसकी एक ट्रिक मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे एक प्लेयर ने मुझे उसकी ट्रिक बताई थी। उसकी ट्रिक बताओ फौरन, मैं जानना चाहता हूँ। उसकी ट्रिक ये है कि अगर आप, जैसे आप जब गेम स्टार्ट करते हैं तो आपको 3 पोकेमॉन की चॉइसेस आती है, चार्मेंडर, बल्बसॉर और स्क्वायरल। तो अगर आप इन तीनों को रिजेक्ट कर लेते हैं और अगर अपने घर से बाहर निकलकर थोड़ी देर तक चलते रहते हैं तो आपकी स्क्रीन पे पिकाचू भी फ्लैश होने लग जाता है। तो ये मैं एक टिप लेकर आई हूँ, अगर आपको पिकाचू फ्री में चाहिए सिर्फ आपको थोड़ा चलकर जाना पड़ेगा। और चलो अगर फ्री में नहीं चाहिए फिर क्या करना होगा, क्योंकि मुझे पिकाचू बहुत ज्यादा पसंद है। तो फिर आपको चलकर पूरी मुंबई घूमकर देखना पड़ेगा। पर मैं आपको ये भी बता दूं कि ये ना इन लोगों ने ऐसे डिजाइन करा है कि वाटर के पास में सारे वाटर पोकेमॉन्स मिलते हैं, तो अगर आप, क्या पता बिजली के खंभे के पास खड़े हो तो हो सकता है कि आपको पिकाचू भी मिल जाए। नाइस। तो एक आखिरी सवाल, इंडिया में अभी लॉन्च हुआ है नहीं, ठीक है, अब आप
.apk फाइल से, किसी और थर्ड पार्टी से, कहीं से आप जुगाड़ करके बेसिकली आप ये पोकेमॉन गो अपने स्मार्टफोन में डालते हैं। तुम्हें क्या लगता है, मतलब इस तरीके से खेलना चाहिए, कितना रिस्की हो सकता है, और अगर रिस्की नहीं है तो कब तक लॉन्च होगा पोकेमॉन गो इंडिया में? जो मेरी उन लोगों से बात हुई, ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, इसकी वजह से ज़्यादा सर्वर प्रॉब्लम भी है आपका। बीच में अगर आप सोचो पोकेमॉन खेल रहे हो और आपको बहुत ही अच्छा पोकेमॉन मिला है, उसी टाइम आपका जो फ़ोन है वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। बहुत बार हमारा पोकी वॉक में हम लोगों का सेम एक्सपीरियंस रहा, जो खेल रहे थे मेरे साथ उनके साथ भी सेम एक्सपीरियंस रहा। मैंने इसके बारे में बाकी सब लोगों से बात भी करी, ऑर्गेनाइजर्स थे उनसे बात करी, तो उन्होंने मुझे यही बताया कि ये जो पोकेमॉन गेम है ये इंडिया में वैसे तो होने ही वाला था रिलीज, जैसे मैंने आपको बताया था इस वीकेंड, बट टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि इस फ़ोन के इस गेम के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसकी वजह से उन्होंने लॉन्च जो है और एक्सटेंड कर दिया है। अब तक ये बात तक चल रही है कि हो सकता है कि ये गेम दिसंबर तक लॉन्च हो, बट ऐसी सिर्फ खबरें हैं, इनके इनका कुछ तो बहुत दूर है इनफैक्ट। तब तक तो मतलब मुझे लग रहा है कि आधे से ज़्यादा लोग शिबानी पोकेमॉन को ऐसे जुगाड़ से कर लेंगे। बट थैंक यू रानिका, आपने हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। एनीवे टेक गुरु पर लेते हैं आप एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आइए और हम आपको बताएंगे पोकेमॉन गो के अलावा कुछ और ऐसे गेम्स जो साल 2016 में आपको इंतजार करवाएंगे और आप उन्हें खरीदने के लिए इंतजार करते ही रह जाएंगे। देखिए ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टेक गुरु पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने एक इंटरेस्टिंग गेम के बारे में बात की जो दुनिया भर में काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, वो है पोकेमॉन गो। लेकिन दुनिया में पोकेमॉन गो के अलावा भी काफी सारे गेम्स हैं जो आपके डिवाइसेस पर होने चाहिए। कौन से है वो गेम्स अभिषेक, बताते हैं ना। When disaster strikes, when the city quakes in fear, when there's no one to turn to, who are you gonna call? That's your cue, killer. 2016 ke most awaited game number 1, Ghostbusters. Ghostbusters के फैंस के लिए एक अच्छी खबर, Ghostbusters की नई फिल्म के साथ ही आप इसके ऑफिशियल गेम का भी मजा ले पाएंगे। नए गेम में कैरेक्टर्स के अपने खास हथियार होंगे जिन्हें वे जरूरत पड़ने पर बदल सकेंगे। एक्शन और एडवेंचर से भरे इस गेम को PlayStation 4, Xbox One और PC पर खेला जा सकेगा। When we win, we make the fans happy. Game number 2, FIFA 17. FIFA fans के लिए September एक अच्छे gift के साथ end होगा, क्योंकि football के शौकीनों के लिए इस साल का FIFA का official game FIFA 17 इसी महीने launch हो जाएगा। Game के नए version को पहले से ज़्यादा realistic बनाने के लिए game developer company Electronic Arts Sports ने इस बार पूरे gameplay में कई नए features जोड़े हैं। FIFA 17 का मजा PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 और Xbox One पर लिया जा सकेगा। गेम नंबर 3, Final Fantasy 15। दुनिया के सबसे मशहूर गेम में से एक फाइनल फैंटेसी के 15th वर्जन का इंतजार इस साल पूरा हो जाएगा। खबरों के मुताबिक ये ओपन वर्ल्ड एक्शन एडवेंचर गेम 30 सितंबर को बाजार में आ जाएगा। एक्शन एडवेंचर से भरपूर यह गेम PS4 और Xbox One पर खेला जा सकेगा। नंबर 4, माफिया 3। इस साल के मोस्ट एंटीसिपेटेड गेम्स में से एक है माफिया 3। 7 अक्टूबर को बाजार में एंट्री लेने जा रहे इस गेम की स्टोरीलाइन साल 1968 में न्यू ऑर्लियंस में पनप रही माफिया गैंग वॉर्स पर आधारित है, जिसमें आप लिंकन क्ले के किरदार में होंगे और फाइट और एक्शन से भरपूर यह गेम प्लेस्टेशन 4, एक्सबॉक्स 1 और PC जैसे प्लेटफॉर्म्स पर खेला जा सकेगा। Tell me you heard that.
There! It's on the move! After it! Game number 5, Gears of War 4. Xbox users के लिए अच्छी खबर, Xbox exclusive game Gears of War 4 11 अक्टूबर को बाजार में आ जाएगा। Gears of War 4 की storyline Gears of War 3 की कहानी के 25 साल बाद की है। Gamers के बीच इस game को लेकर इतना उत्साह है कि release होने से पहले ही कई gamers ने इसे game of the year कहना शुरू कर दिया है। Game number 6, Call of Duty Infinite Warfare. Call of Duty Infinite Warfare 4 November को लॉन्च हो जाएगा। भविष्य में सेट स्पेस साइफाई थीम पर आधारित यह गेम PlayStation 4, Xbox One और PC पर खेला जा सकेगा। हालांकि कई फैंस इस गेम से निराश दिख रहे हैं, YouTube पर इसके लॉन्च ट्रेलर को 1.5 मिलियन से ज्यादा लोगों ने डिसलाइक किया है। और साल 2016 के मोस्ट अवेटेड गेम्स में से आखिरी या नंबर 7वां गेम है पोकेमॉन सन एंड मून। क्या आप पोकेमॉन के फैन हैं तो आपके लिए साल 2016 काफी अच्छा रहने वाला है। पोकेमॉन की 20वीं एनिवर्सरी में इस साल 18 नवंबर को पोकेमॉन सन एंड मून नाम का एक गेम बाजारों में आ जाएगा। इस गेम में नया बैटल रैटल मोड होगा जिसमें 4 प्लेयर्स आपस में एक साथ लड़ सकते हैं। सिंप्लीफाइड चाइनीज के साथ इसमें अंग्रेजी स्पैनिश सहित 9 भाषाओं के ऑप्शंस होंगे। एनीवे चेक गुरु पर लेते हैं अब एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आइए और हम आपको बताएंगे 3 ऐसे एप्स जो आपके स्मार्टफोन में होने चाहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टेक गुरु और अब वक्त है हमारे उस खास सेगमेंट का जिसका नाम है ऐप दिस वीक, जहां हम तीनों मिलकर आपको एक ऐसा ऐप रिकमेंड करते हैं जो आपके स्मार्ट डिवाइसेस में होना ही होना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं, शिवानी कौन सा ऐप लेकर आई हो? अभिषेक, जैसे तुम्हें पता है मैं इतना ज्यादा घूमती घामती रहती हूँ, इतनी ज्यादा आवारा हूँ मैं, इतनी ज्यादा कंट्रीज घूमना प्लेसेस देखना मुझे पसंद है। घुमक्कड़ी करती हो। एग्जैक्टली, तो मेरे लिए एक परफेक्ट ऐप ढूंढ के लाई हूँ जिसका नाम है लैंडेड। तो लैंडेड लैंडेड या एग्जैक्टली, जैसे लैंड करो आप नए सिटी में तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक प्लेटर पे दिखाई देगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल यू नो आपको सिटी सेंटर तक पहुंचना है या फिर ये जानना है कि उस कंट्री में कौन सा लोकल सिम या फिर कौन सा ऑपरेटर सबसे बेहतर काम करता है, चाहे वो लाइक फॉर एग्जाम्पल इंडिया की बात करें तो एयरटेल अच्छा काम करता है ये सिटी में कि वोडाफोन अच्छा काम करता है, या फिर करेंसी कन्वर्जन सेंटर्स कहाँ कहाँ पर है। ऐसे छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन जो आपको कई अलग अलग वेबसाइट से ढूंढने पड़ते हैं एक साथ आपको इस ऐप में मिलेंगे, इसलिए यू नो इसका नाम भी एकदम ऐप्ट है लैंडेड। कई बार अगर यू नो ऑनलाइन आपको कनेक्टिविटी ना मिले, कनेक्टिविटी की दिक्कत हो, बैंडविड्थ इशू हो, तो ऑफलाइन भी ये ऐप मौजूद है, तो एकदम परफेक्ट है अगर आपको ट्रैवल करना पसंद है। तो मैं एक गेम ही रिकमेंड करने वाला हूँ, बैटमैन आखम अंडरवर्ल्ड। बैटमैन की आखम सीरीज हमेशा से मशहूर रही है अपने अच्छे मोबाइल फोन गेम्स के लिए और साथ में कॉन्सोल और पीसी गेमिंग के लिए, और वार्नर ब्रदर्स गेमिंग स्टूडियोज का ये जो खास ऐप है बैटमैन आखम अंडरवर्ल्ड, तो दरअसल यहाँ पर आप बैटमैन बन के नहीं खेलते बल्कि अपने अंदर के बैड बॉय को बाहर निकालते हो, क्योंकि आप यहाँ पर आखम सिटी के अंदर मौजूद या फिर डीसी कॉमिक्स यूनिवर्स के अंदर जो विलन्स हैं, सुपर विलन्स हैं, आप सुपर हीरो नहीं बल्कि सुपर विलन्स प्ले करते हो, जिसमें आप रिडलर बन के खेल सकते हो, आप जोकर बन के खेल सकते हो, हार्ले क्विन, किलर क्रॉक या फिर स्केयरक्रो जैसे जो विलन्स हैं वो विलन्स बनकर आप खेल सकते हो, और आखम सिटी का टेक डाउन आप अपने अंदाज में कर सकते हो और बैटमैन को हरा सकते हो। मतलब बैटमैन बन के तो बहुत खेल लिया, अब जरा हार्ले क्विन या फिर रिडलर बन के खेलो, सुपर विलन बन के खेलो। मेरा ऐप थोड़ा हटकर है, मेरा ऐप है फ्लॉक। ये बेसिकली अगर आप कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हो या कहीं भी हो तो आपके सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन का मीडियम होता है ईमेल,
और ईमेल इतना ज़्यादा आउटडेटेड हो चुका है, अब कौन यूज़ करता है ईमेल, कौन पढ़ता है? आधे लोग तो यही बहाना देते हैं कि सर मैंने ईमेल नहीं पढ़ा था। तो इसके लिए आज मैं ऐप लाई हूँ फ्लॉक। ये ऐप के ज़रिए आप अपनी कम्युनिकेशन बढ़ा सकते हैं टीम के साथ और बहुत ही फास्ट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, आप 8 लोगों तक अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, अपनी स्क्रीन शेयर्स कर सकते हैं और इसके मैसेजेस हैं वो एनक्रिप्टेड हैं, तो आपको सिक्योरिटी का भी कोई इसमें इशू नहीं मिलेगा। साथ में ही जैसे इसका एक बहुत अच्छा फीचर है, जैसे स्लैक इसका कॉम्पिटिटर है उसमें नहीं है, वो ये है कि आप इसके अंदर जो अपने क्लाइंट्स हैं उनको भी इस चैट में ऐड कर सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है इसका। साथ में ही अगर मैं बात करूँ ओवरऑल लुक की इस ऐप की, तो बहुत ही इजी है हैंडल करने में, बहुत ही कंफ्यूजिंग नहीं है। जैसे मैंने स्लैक को डाउनलोड करके देखा था तो मुझे वो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा, बट इस टर्म में फ्लॉक बहुत ही इजी है। और इसके अंदर ही जैसे ऐप स्टोर है उसके अंदर आप बहुत सारे ऐप्स डाउनलोड करके इससे इंटीग्रेट कर सकते हैं, जैसे आप ट्विटर को इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो आपका ये कम्युनिकेशन बहुत ही इजी बना देगा। यू नो शिवानी, आज ऐप दिस वीक में तुमने आवारा गर्दी वाला ऐप बताया, मैंने टाइम वेस्ट करने वाला बताया, टाइम बचाने और टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज कैसे किया जाए ये श्री श्री रानिका 1000 ने बताया। वेल डन रानिका। तो टेक गुरु में आज के हफ्ते के लिए, इस हफ्ते के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल। और बाय द वे, आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।